दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू डू कीवर हाउ टू फाइंड कीवर्स फॉर आवर लिस्टिंग एंड फॉर पी पी सी हम जब लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे होते हैं एज़ यू ऑल नो कि हमें कीवर्स की नीड्स होती हैं सो so, uh, हम उसको हीम टेन के थ्रू किस तरह से फाइन कर सकते हैं आज की वीडियो का मकसद ये होने वाला है सबसे पहले आपने अपने हीलियम टेन को साइनम साइन इन कर लेना है ठीक है साइन इन करने के बाद हमारे पास हीलियम टेन के अंदर सब टूल होता है कीवर रिसर्च के लिए बेसिकली हमारे पास जो टूल होते हैं फर्स्ट मैग्नेट एंड सेरिब्रो हम दोनों को वन बाय वन करके इसी वीडियो में कवर कर लेंगे हम मैग्नेट को खोल लेते हैं एंड सेरिब्रो को भी अलग टैब में खोल लेते हैं सबसे पहले हम मैग्नेट के ऊपर आ जाते हैं ये थोड़ा सा लोड हो जाता है तो हम इस पर आसेंट हो चुका लो ये हमारे पास मैग्नेट आ गया ठीक है मैग्नेट जो हीलियम टेन का सब टूल है हम इसको कीवर रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली उसी के लिए यूज़ किया जाता है ये अमेज़ोन की चाहे लिस्टिंग क्रिएट करनी हो चाहे पीपीसी के अंदर कीवर्ड्स को ऐड करना हो आ, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं लेट से हमारा प्रोडक्ट है बेबी मैश हमारा एक प्रोडक्ट है ठीक है हम उससे पहले अच्छा आपने कुछ चीज़ों को ख़ास ख्याल रख लेना है यहाँ से आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने है जिस भी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने हैं उसकी पीपीसी रन करने जा रहे हैं एक्स एक्सपायर जेड जो भी आपका मोटो है यहाँ से आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है बाई डिफॉल्ट फॉर यू एस सेलेक्ट हुई होती है फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर यू एस के लिए कर रहे हैं हमने यू एस सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ पर अपना की वर्ड लिख लिया अच्छा ये करेगा क्या ये आपको जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे गेट की वर्ड पर क्लिक करेंगे सो so, आपको आपके कीवर्ड्स से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे जो अमेज़ान पर सर्च किए जा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा देख लें यहाँ पर उसके बाद आपके पास फिल्टर आ जाते हैं जिससे आप थोड़े अपनी लिस्ट को फ़िल्टर करने के बाद जो भी आपके काम के कीवर्ड्स हैं वो आप निकाल सकते हैं उनमें फ़िल्टर्स कैसे लगाते हैं ये भी हम देख लेते हैं अभी इसने हमें टू थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी वन कीवर्ड्स इसने हमें दे दिए जो भी हमारे बेबी ने से रेलिवेंट थे नॉर्मली इनरेलीवेंट भी कीवर्ड आपको मिलते हैं जो आपके प्रोडक्ट से नहीं होते आपको उन्हें वन बाय वन करके डिलीट करना भी पड़ सकता है सबसे पहले वो मैग्नेट आई को दे रहा है आपने सब मेन जो कीवर्ड फिल्टर है वो ऐप ने ऐड कर लें सर्च वॉल्यूम का लेट्स आपके पास फिल्टर है आ, हमें वो कीवर्ड दिखाए जाए जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम एक है ठीक है इसको कमी कर लें आप फाइव हंड्रेड कर लें ठीक है वट काउंट इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट लॉन्ग टेल कीवर्ड सो दिस फिल्टर विल हेल्प यू फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग टेल की वर्ड्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपनी पी पी सी कंपन के लिए या जिस भी चाहे लिस्टिंग के लिए किसी भी चीज के लिए सो so, यहाँ पर आप वर्ड काउंट का मतलब ये होता है एक कीवर्ड के अंदर कितने वर्ड होने चाहिए लेट से अगर बेबी और ने्स ये दो uh, ये कीवर्ड है जो इसका मतलब ये टू काउंट का कीवर्ड है जो कि एक हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड में आ जाता है ठीक है लॉन्ग टेल की में हमारे पास थ्री और मोर देन थ्री वर्ड्स के वर्ड काउंट के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं अगर हम लॉन्ग टेल की वर्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अगर हम नॉर्मल मिड टेल की वर्ड फाइंड आउट करना चाहते तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हम टू डाल देंगे अगर मिड टेल के लिए अगर हम लॉन्ग टेल की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम थ्री और फोर भी ऐड कर सकते हैं लेट्स से हम अभी मिड टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड देख लेते हैं तो हम थ्री मैक्सिमम uh, में सॉरी थ्री हम मिनिमम में हमें ऐड करना चाहिए ठीक है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उसकी उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट uh, कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए आप कह लें मिनिमम इधर यू हैव टू सेट मैक्सिमम टू थाउजेंड हो फ्रेस कंटेन ये वाला फ़िल्टर आप देख सकते हैं फ्रेस फ्रेज कंटेनिंग इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप जो है एक आपका फ्रेज है एक आपका कीवर्ड है उस फ्रेज के अंदर कौन सा कीवर्ड होना चाहिए लेट से मैं कहता हूँ यह है एक फ्रेज बेबी नेस ठीक है बेबी नेस फॉर गर्ल्स ठीक है एक ये फ्रेज हो गया मेरे पास यहाँ पर आप वो कीवर्ड देते दे दे, हैं आप कहें कि उस फ्रेज के अंदर गर्ल नाम का कीवर्ड होना चाहिए वही कीवर्ड हमें दिखाए जाएं सो so, ये आपको उस तरह के की कीवर्ड निकाल के दे देगा यहाँ पर आ, आप एक्सक्लूड अगर कोई एक्सक्लूड करना चाहते हैं फ्रेज से कीवर्ड आप चाहते हैं कि ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करें बेबी उस पूरे फ्रेज में ना हो तो आप वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं ठीक है नॉर्मली मैच ऐप आप यहाँ से आगे मैच मेस्टाप सर ऑर्गेनिक स्मार्ट कंप्लीट और अमेजॉन रिकमेंडेड अमेजान रिकमेंडेड ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक पर आप क्लिक कर सकते हैं अगर छोड़ दें तो भी इसका कोई इशू नहीं टाइटल डेंसिटी आ जाता है आपके पास की सेल्स आ जाते हैं ठीक है बाकी ये कुछ फीचर्स हैं जो कि ऐसे हीलमटेन में भी नहीं चल रहे हैं अमेजोन चाइज ओनली का अगर साल करना चाहते हैं यहाँ से आपके पास एक नया फीचर भी है जो कि पी पी सी बिड का है आप चाहते हैं कि उस आ, की जो बिड हो वो लेट से मैक्सिमम वन डॉलर हो वन डॉलर से ज़्यादा हो तो आप ये भी दे सकते हैं उसके बाद हमने अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप देखेंगे आपके पास आ, कितने कीवर्ड्स है और हेयर यू कैन सी कितने लेस कीवर्ड रहेगा जो कि आपसे मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और आ, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं हमने यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर के हमने यहाँ पर ये हमने मिनिमम लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए थ्री वर्ड काउंट का फिल्टर ऐड किया था दैट्स वाई हमें यहाँ पर थ्री और मोर देन थ्री वर्ड uh, काउंट वाले कीवर्ड नज़र आएंगे ऑलमोस्ट सारे इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन थ्री और थ्री काउंट वाले कीवर्ड्स हैं यहाँ इस तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च अगर आप मिड टेल कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनिमम टू दे दें वन दे दें अगर वन काउंट कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं तो वन दे दें आप मैक्मम में आके वन दे दें सो इस तरह से अपनी कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है उसके बाद आपने करना क्या होता है एक्सपोर्ट डेटा पे आते हैं आप एक्सपोर्ट डेटा पर क्लिक करने के बाद सी एस वी या एक्स एल एस एस फाइल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सी एस वी फाइल में अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं ये एक नॉर्मल सा सिंपल वे है कीवर रिसर्च करने का और पी पी सी के लिए कीवर्ड फाउंड आउट करने का वहाँ पर आप uh, CSV सी एस वी फाइल में आप अपने पास उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपने जो है उधर से उधर से भी आप रेलिवेंट कीवर्ड को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ से अमेजान के ऊपर खोल के देख सकते हैं अगर आपसे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो आप इन्हें रखें अदरवाइज़ यू कैन डिलीट ठीक है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं वहाँ से जाकर भी डिलीट किए जा सकते हैं फाइल में ये एक तरीका था इसके बाद हमारे पास सैरी ब्रो है सैरी ब्रो में आने के बाद मैग्नेट uh, में हम कीवर्ड्स देते हैं तो हमें मैग्नेट uh, उसके रेलेवेंट उस जैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करके देते हैं और सैरीब्रो में डिफरेंस ये है कि हम सैरी ब्रो के अंदर एस इन देते हैं जो कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो अमेजोन हमें अलॉट करता है अगर हम किसी लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमेजन को खोल लेते हैं यहाँ पर जैसे अमेजोन को खोल लिया हमने यहाँ पर हम एक बेबी एक कीवर्ड जो हम वहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे थे यहाँ पर ले लेते हैं एक ये हमारे पास आ जाता है ठीक है इसको हम खोल लेते हैं अच्छा ना आपको पता होगा कि ऊपर यू आर एल से भी लिया जा सकता है नीचे से भी लिया जा सकता है ठीक है यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ मिल जाता है इसको यहाँ से कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद यहाँ आप शहरी ब्रो में आ जाएंगे आप अप टू टेन एसिन यहाँ पर पेश कर सकते हैं ठीक है मैं uh, एक की एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर आपने अप टू टेन जितने टेन तक हो आप जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है क्योंकि आपके इससे इसका आ, मसला इसकी जो वजह है हम जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास कीवर्ड आएंगे सैड हमें उतने ज़्यादा कीवर्ड फाइंड आउट करके देगा ठीक है उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर कर देना है उसके बाद गेट कीवर्ड पर सिंपल क्लिक कर देना है जब आप क्लिक कर देंगे फैच करेंगे डेटा को और आपको जो इस सेलर ने इस लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं वो कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे आ, आप नॉर्मली आप अपने कंपटीटर्स की जो कीवर्ड सर्च करते हैं कम्पीटर्स के जो कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं देखने होते हैं वो आप इसी तरीके से किए जा रहे होते हैं यहाँ पर ये यह कह रहा है एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड कीवर्ड्स इसने आपको दे दिए हैं आ, जो कि आप इधर देख लेंगे आपसे सारे आपसे रेलिवेंट हों जो इनरेलीवेंट हों वो आप नॉर्मली जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और इन इनरेलीवेंट हों और सर्च किए जा रहे हो सो आप बैक एंड वगैरह पे उसे यूज़ कर रहे होते हैं लिस्टिंग में यूज़ नहीं कर रहे होते यहाँ पर वो आपको सर्च वॉल्यूम बता देता है ठीक है उसकी वर्डकास्ट रॉन्सर एस एन बता देता है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बता देता है और सी पी आर और इस तरह की सारी चीज़ें बता देता है इसका भी आपने नॉर्मल करना है रेलिवेंट आपने रखना है इन रेलिवेंट आपने छोड़ देना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा में आके सी एस पी फाइल पर डाउनलोड uh, कर लेनी है इस तरह से आप अपने मैग्नेट uh, से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं सैरीब्रो से कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है दिस इज़ अ वे टू फाइंड अ कीवर्ड फॉर योर लिस्टिंग फॉर योर पीपीसी अगर आपको इससे से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं आई विल बी देयर टू आंसर यू आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो कुछ uh, समझ आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं till then allah hafiz